hello friends today we are going to study about types of chemical reactions in previous videos you already learned about chemical reaction what is chemical reaction what are reactants what are products and uh, characteristics of chemical reactions so many chemical reactions you have already seen but uh, all chemical reactions can be classified into different groups. How chemical reactions are classified? Chemical reactions are classified into groups which uh, we can say types of chemical reaction. The chemical reaction is classified on the basis of characteristics nature of these chemical reactions so we are going to study first types of chemical reaction that is called combination reaction you see here combination reaction okay the combination reaction is just like addition reaction you can say that the combination reaction is similar to addition reaction what is combination reaction what is combination reaction you have to know about combination what do you stands about combination what means about combination combination means combine that means add or combine okay in एनी केमिकल रिएक्शन इफ टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अगल न्यू सबस्टांस देट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कंबिनेशन रिएक्शन यानी कि अगर कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्टान जिसको आप जानते हैं रिएक्टेंट्स अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है वो सिंगल न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है किस वजह से ड्यू टू केमिकल रिएक्शन और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो फर्स्ट सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे कंबिनेशन रिएक्शन आप एग्जाम्पल इसको समझते हैं एग्जाम्पल नंबर वन एच टू प्लस ओ टू एरोसाइन एच टू सीहियर रिएक्टेंट्स आर हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस राइट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस केमिकल कंबाइन जब करता है उन दोनों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है एज अ प्रोडक्ट ये सब्सटेंस आपका क्या है हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर इसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका फॉर्मूला भी इसी तरह से बना है हाइड्रोजन की वैलेंसी वन ऑक्सीजन की वैलेंसी टू हाइड्रोजन की वैलेंसी जो क्रिस क्रॉस मेथड है इससे हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास आएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के पास लिखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन का वन और ऑक्सीजन का टू लिखा गया है इस तरह से ये हमारा आपका फॉर्मूला जो बना हाइड्रोजन ऑक्साइड का वो हो गया एच टू ओ ये है वाटर आप जानते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है एच टू ओ इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो दो सब्सटेंस है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एक सिंगल सब्सटेंस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है दो सब्सटेंस ऐड होकर के एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर, कर रहा है ये रिएक्शन आपका कौन सा रिएक्शन होगा दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन दर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर टू एम जी प्लस ओ टू मैग्नेशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एम जी ओ यहां भी क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है मैग्नेशियम ऑक्साइड तो यह भी आपका क्या हो गया कंबिनेशन रिएक्शन हो गया बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एग्जांपल नंबर थ्री जेड एन प्लस ओ टू एरोसाइन जेड ओ जब जिंक को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं या जिंक जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और कंबाइन करके जब न्यू सब्सटेंस बनाता है ये न्यू सब्सटेंस आपका क्या है जिंक ऑक्साइड तो दो सब्सटेंस मिलकर के रिएक्शन के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा कंबिनेशन रिएक्शन उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन अगर करता है तो कंबाइन करके बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड यह हुआ फॉर्मूला आपका SO3 थ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इसको लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, राइट और ये हो जाएगा सल्फर ट्राइक्साइड ट्राई ऑक्साइड ठीक है अब ध्यान देंगे ऑक्सीजन टू है तो डाइऑक्साइड। केमिस्ट्री में एक टर्म आता है इन सारे टर्म्स को आपको बहुत सारा हैप मिलेंगे One means mono, right? Two means die, right? Three means tri, four means tetra, five means penta, six means hexa, seven means hepta, eight means octa. इन मींस नोना टेन मींस डी का कुछ प्रिफिक्स हैं जो लगता है अगर वन के लिए यूज करते हैं तो वन के लिए यहां पे यूज होगा मोनो टू के लिए यूज करेंगे तो डाई थ्री के लिए ट्राई तो इसी तरह से आप यहां देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है ऑक्सीजन का दो एटम है दो के लिए डाई यूज हुआ है इसलिए इसको लिखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बट यहां पे O3 है ना तो O3 जो है तो थ्री के लिए टर्म कौन सा यूज हो रहा है ट्राई तो ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड उसी तरह से अगर चार टर्म यूज करते हैं तो टेट्रा फाइव के लिए पेंटा सिक्स के लिए हेक्सा ये सब डिफरेंट टर्म्स है जिसको कि आप एज अ प्रस यूज कर सकते हैं यूज करते हैं यहां हम लोग क्या देख रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है सल्फर ट्रायऑक्साइड। यानी यहां पे दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है तो ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा कंबिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके बनाता है अमोनिया एनएस थ्री उसका फॉर्मूला है ये हो गया अमोनिया ठीक है इस तरह से ये यहां पे जो बन रहा है आपका अमोनिया इस अमोनिया का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस दो अलग अलग सब्सटेंस है ये दोनों सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है एन एस थ्री एन थ्री मीन्स अमोनिया तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये आपका जो है कौन सा रिएक्शन होगा कंबिनेशन रिएक्शन उसी तरह से नंबर सिक्स एग्जाम्पल कैल्सियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री तो यहां पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी क्या है एक सिंगल सब्सटेंस है और इस तरह से ये जो सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है दो अलग अलग सब्सटेंस है ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन हो गया यानी क्लियर है कि जब दो सबस्टांस या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके आफ्टर रिएक्शन एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कंबिनेशन रिएक्शन ये यह यहां पे रिएक्शन जो हुआ वो क्या हो गया कंबिनेशन रिएक्शन होगा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सिंपल एग्जाम्पल है कार्बन को अगर ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू ठीक है उसी तरह से अगर कार्बन को अगर इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड फिर वही बात है यहां पे आप देखेंगे जो CO2 टू है इसको हम लोग लिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड डाई ऑक्साइड डाई क्यों दिए टू के लिए CO2 टू है ना तो टू के लिए यूज करते हैं डाई तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ठीक उसी तरह से जो नीचे जो सीओ है ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड मोनो ऑक्साइड आप समझ रहे हैं मोनो क्यों यूज हुआ है मोनो यूज होता है वन के लिए यहां पे ऑक्सीजन का वन एटम है इसीलिए ये सीओ को हम लोग क्या बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा जब सफिसियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो राइट right? बट अगर इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो वहां पे जो फॉर्मेशन होगा ये क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा ये जो जितने सारे एग्जांपल्स आप देखे ये सारे एग्जांपल्स हैं किस टाइप के रिएक्शन का कम्बिनेशन रिएक्शन का आप समझ रहे होंगे कि जब दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन होता है वेरी गुड लेकिन ये जितने सारे रिएक्शंस हैं इसमें सारे के सारे रिएक्शंस बैलेंस नहीं है और हम लोगों को सारे रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना होगा आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का जो लॉजिक है उसके पीछे एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टेल्स दैट मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में मैटर ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है मैटर कोई बनता नहीं है और न ही कोई समाप्त हो जाता है बर्बाद हो जाता है होता क्या है केमिकल रिएक्शन में आप पहले से इसको समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के समय जितने भी सारे रिएक्टेंट्स हैं उनके एटम्स फिर से रीअरेंज करते हैं बट आफ्टर केमिकल रिएक्शन वी गेट ऑल द एटम्स विच आर टेकिंग पार्ट टेक पार्ट इन दैट केमिकल रिएक्शन उस केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस है जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल बी ऑपटेड सबके सब मिल जाते हैं तो अगर यहां पे देखते हैं कि हाइड्रोजन का दो एटम कंबाइन कर रहा है तो इधर भी हाइड्रोजन का दो एटम को मिल रहा है राइट right? ऑक्सीजन का दो एटम है बट यहां पे का क्या है एक ही एटम है तो क्या करना होगा आप बैलेंस करने के लिए यहां सीख जाएंगे इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे कैसे बैलेंस करते हैं बैलेंस करने का तरीका यही है कि जो नीचे का नंबर है जिसको हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते हाँ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बगल का नंबर आप चेंज कर सकते हैं और चेंज उतना करना है ताकि लेफ्ट साइड और राइट right साइड दोनों साइड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके सारे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो आप यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन का टू एटम्स है इधर भी हाइड्रोजन का टू एटम्स है बैलेंस है बट ऑक्सीजन का यहाँ पे दो एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है वन ही एटम है अगर नीचे का नंबर अगर लिखना होता आराम से यहाँ टू लिख देते बैलेंस हो जाता बट ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मुला बना है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी वैलेंसी के हिसाब से बना है इसकी वैलेंसी यहां और इसकी वैलेंसी यहां लिख करके हमने फॉर्मुला बनाया हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको आप वाटर कह रहे हैं बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा यहां पे नंबर चेंज करेंगे अगर यहां पे नंबर टू कर देते हैं तो ऑक्सीजन का टू एटम हो जाता है बट क्या हुआ हाइड्रोजन का एटम चेंज हो गया यहां पे हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं फोर एटम्स हैं तो यहां भी हाइड्रोजन का फोर एटम्स करना होगा तो उसके लिए अगर यहां पे टू लगा देते हैं तो हाइड्रोजन का फोर एटम्स हो जाता है तो इस तरह से जो है हाइड्रोजन का फोर एटम्स हाइड्रोजन का फोर एटम्स ऑक्सीजन का टू एटम्स और ऑक्सीजन का एटम ये ये एटम्स क्या हो गया बैलेंस हो गया इस तरह से केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया ठीक इसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं नंबर टू सेकेंड केमिकल रिएक्शन में क्या है कि मैग्नीशियम का वन एटम है मैग्नीशियम का वन एटम है राइट right? ऑक्सीजन का टू एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन का वन ही आइटम है अब यहाँ भी टू करना होगा ना तो टू करने के लिए यहाँ पे टू लगाएंगे और यहाँ टू लगाने से क्या हो गया ऑक्सीजन का टू एटम तो हो गया बट मैग्नेशियम भी चेंज हो गया ना तो मैग्नेशियम के लिए यहाँ पे टू कर देते हैं तो मैग्नेशियम का टू एटम हो गया यहाँ भी मैग्नेशियम का टू एटम हो गया ऑक्सीजन भी टू हो गया और ऑक्सीजन भी टू हो गया बैलेंस हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिंक वन जिंक वन ओ टू ओ वन है Gink one, Gink one, o, two, o, फिर वही काम करना होगा यहां पे टू लगाते हैं जिंक टू हो गया यहां पे टू लगा दिए नेक्स्ट देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है सल्फर वन सल्फर वन राइट ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू 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 फोर बट यहां पे ऑक्सीजन का थ्री एटम है अब टू से तो थ्री आ नहीं आएगा नहीं टू से फोर आ सकता है सिक्स आ सकता है थ्री तो आएगा नहीं तो इसीलिए अगर यहां पे हम टू करते हैं तो ऑक्सीजन का हो जाता है सिक्स एटम और जब ऑक्सीजन का सिक्स एटम होगा सल्फर भी टू हो गया तो सल्फर को टू करने के लिए अगर यहां पे टू लगा देते हैं तो सल्फर का टू और सल्फर का टू तो हो ही जा रहा है ऑक्सीजन का क्या हो गया टू टू जा फोर और यहां पे भी टू है तो फोर और टू मिलके कितना हो गया ऑक्सीजन का थ्री टू जा सिक्स तो सिक्स एटम बन गया बैलेंस हो गया सल्फर का टू एटम सल्फर का टू एटम ऑक्सीजन का टू टू जा फोर और टू फोर टू सिक्स इस साइड भी ऑक्सीजन का थ्री टू जा सिक्स बैलेंस होगा नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन वन है फिर तो यहां पे टू करना होगा नाइट्रोजन का टू एटम हो गया हाइड्रोजन का टू एटम है यहां पे हाइड्रोजन का सिक्स एटम है तो सिक्स करने के लिए क्या करना होगा यहां पे थ्री लगाएंगे तो थ्री लगाएंगे तो हाइड्रोजन का सिक्स हो गया बैलेंस हो गया फिर नेक्स्ट में देखते हैं कैल्शियम का वन एटम कैल्सियम का वन एटम ऑक्सीजन वन और टू टू वन थ्री ऑक्सीजन का थ्री है ही सही है कार्बन का वन यहां भी कार्बन का वन है तो ये क्या हो गया बैलेंस है नेक्स्ट ऑक्सीजन टू यहां पर ऑक्सीजन वन ही है तो उसको टू करने के लिए यहां पे टू लगाएंगे तो टू लगाने से ऑक्सीजन का टू हो गया बट कार्बन भी टू हो रहा है तो यहां पे क्या करेंगे टू कर देंगे तो ये कार्बन भी बैलेंस हो गया तो इस तरह से जो है जितने भी सारे केमिकल रिएक्शन आप लिखेंगे उस सारे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है अदरवाइज वो रॉन्ग होगा तो इस तरह से जो है, आपने फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ गए, दैट इज कंबिनेशन रिएक्शन इस तरह से कंबिनेशन रिएक्शन फिनिश हुआ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड जस्ट इसका अपोजिट है वो क्या है वो रिएक्शन है डी रिएक्शन सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन डीकंपोजिशन मीनिंग से क्लियर कर हैं डी का मतलब क्या होता है डंपोजिशन जस्ट अपोजिट ऑफ कंबिनेशन कंबिनेशन में क्या होता था दो सब्सटेंस दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता था अगर ठीक उसके अपोजिट एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होकर के स्प्लिट होने का मतलब तो क्या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के वजह से ही स्प्लिट होकर के अगर दो अलग अलग न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो यह रिएक्शन कहलाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन राइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स दो केमिकल रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस इन विच वन सब्सटेंस स्प्लिट्स इंटू टू और मोर डिफरेंट न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डी रिएक्शन राइट डिकोजिशन रिएक्शन मीन्स जब एक सिंगल सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के वजह से केमिकल रिएक्शन के द्वारा डिकम्पोज होकर टूटकर स्प्लिट होकर अगर दो या दो से अधिक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं पोटैशियम क्लोरेट के सी एल ओ थ्री क्लोरेट को जब हीट करते हैं ठीक है पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होकर के न्यू सब्सटेंस बनाते हैं वो बनता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस क्या बनाते हैं पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस ये तुम्हारा क्या है पोटैशियम क्लोरेट पोटैशियम क्लोरेट ठीक है और ये है क्या पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड ठीक है और ओटू तो आप जानते ही होंगे ऑक्सीजन गैस है पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये टूट करके दो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं एक है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा ऑक्सीजन गैस तो आप देख रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में पोटेशियम क्लोरेट जो एक सिंगल सब्सटेंस है और रिएक्शन के बाद हमें दो न्यू सब्सटेंसेस मिल रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस तो इस टाइप का जो रिएक्शन होगा इसको हम लोग कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डिकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन किस वजह से हो रहा है काउस ऑफ डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर क्लासीफाइड इंटू थ्री डिफरेंट केमिकल रिएक्शन दोज आर थर्मल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन आप मीनिंग से समझ गए होंगे थर्मल थर्मल मीन्स थर्मल मीन्स हीट ओके okay? मींस वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट देने पे यानी उसे गर्म करने पे अगर कोई एक सब्सटेंस स्प्लिट हो करके दो या दो से ज्यादा डिफरेंट न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं तो इस टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होगा वो एग्जाम्पल होगा किसका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये जो एग्जांपल हमने दिया इसमें भी क्या कर रहे हैं इसको हीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मल डी ये हो गया ठीक है क्योंकि ये हीट करने के बाद जो है डिकम्पोज कर रहा है और हीट करने के बाद अगर कोई सब्सटेंस डिकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाते हैं तो ये रिएक्शन कहलाता है थर्मल डीकम्पोजिशन दूसरा एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे लेकिन यहां जो हम लोग देख रहे हैं यहां आप समझ गए होंगे कि थर्मल मीन्स हीट हो गया तो इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स क्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी और फोटो मीन्स लाइट ये क्या है काउज है डीकंपोजिशन का इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में इस टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन में हीट क्या है वो डीकंपोज का काम करता है बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रिसिटी डीकंपोज का काम करेगा यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे इलेक्ट्रिसिटी देने पे वो क्या होता है डीकंपोज होता है टूटता है टूट करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया फोटो मतलब लाइट यानी इस टाइप का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इसमें लाइट जब देते हैं तो लाइट के वजह से वो सब्सटेंस स्प्लिट होता है टूटता है और टूटने के बाद न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है ये हमारा हो गया फोटो फोटोडिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन का और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सी ए थ्री इसको जब हीट करते हैं तो हीट करने पे ये बनाता है कैल्सियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी एक सब्सटेंस है डिकम्पोज होकर के दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है इसलिए ये क्या हो गया हमारा ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा एफीएसओ फोर फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं यहां पे तीन अलग अलग सबस्टांस बनेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसको ध्यान से देखेंगे फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3 और फेरिक ऑक्साइड तो बना सल्फर बचा हुआ है तो सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के सल्फर ट्रायऑक्साइड भी बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है आपको पहले बताया था थ्री के लिए ट्राई यूज करेंगे टू के लिए डाई यूज करेंगे इसलिए इसको सल्फर ट्राई इसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और ये हो गया फेरिक ऑक्साइड तो इस तरह से जब फेरस सल्फेट है फेरस सल्फेट का कलर कैसा होगा फेरस सल्फेट का कलर है ग्रीन ग्रीन कलर है कलर याद रखेंगे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा फेरिक ऑक्साइड इसका कलर क्या होगा इसका कलर होता है ब्राउन ठीक है और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें जब फेरस सल्फेट को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं जो ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर के होने के बाद इसका जब डिकम्पोजिशन के बाद क्या हो रहा है इसका कलर चेंज हो जाता है और न्यू सब्स्टांस का फॉर्मेशन होता है इसमें एक न्यू सब्स्टांस बनता है फेरिक ऑक्साइड और इसका कलर क्या होता है ब्राउन होता है और साथ में सल्फर टाइक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही बनते हैं और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा पीबीएनओ थ्री होल टू लेड की ही जब हीट करेंगे तो लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद उसी तरह से क्या बनेगा जैसे यहां फेरिक ऑक्साइड बना था वैसा ही लेड ऑक्साइड बनेगा और लेड ऑक्साइड कैसा होगा लेड मोनो ऑक्साइड होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बी ओ सिर्फ एक ऑक्सीजन है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लेड मोनो ऑक्साइड लेड मोनो ऑक्साइड बट अभी यहां पे नाइट्रोजन बचा है तो ये नाइट्रोजन भी टूटेगा बट ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनो टू और कुछ ऑक्सीजन और भी अलग होंगे इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो कलर बन रहा है जो लेड नाइट्रेट है ये लेड नाइट्रेट जो है ये कलरलेस है कलरलेस कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़े थे ये कलरलेस है बट आफ्टर रिएक्शन यानी जब इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद जब केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से जो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं लेड मोनोऑक्साइड इसका कलर होता है येलो ये आपका येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड बनाएगा और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनेगा ये इसका ब्राउन फ्यूम्स ये ब्राउन कलर का जो है इसमें से फ्यूम्स रिलीज होगा ये गैस के फॉर्म में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस तो आप जानते हैं कलरलेस होता है तो कहने का मतलब है कि ये इस टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है ड्यू टू हीट हीट के वजह से एक सबस्टांस स्प्लिट होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहां पे ये कौन सा रिएक्शन होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा चूंकि ये डिकोजिशन हीट के वजह से हो रहा है हीट देने पर हो रहा है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आप पहले समझ चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाते हैं वो होता है डिकम्पोजिशन और अगर डिकम्पोजिशन का काउज इलेक्ट्रिसिटी है तो ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसका एग्जाम्पल है वाटर वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ेगा वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी के वजह से डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन के द्वारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसके पहले कम्बिनेशन में देखे थे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच में जब इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं और उसके वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है जस्ट अपोजिट है वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके वाटर को जब डिकम्पोज किया जाता है उसे तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं बैलेंस तो करना ही होगा रिएक्शन को ये रिया बैलेंस रिएक्शन हो गया 2s2 2o एरोसाइन 2s2 o2 ये डीकंपोजिशन कैसे कराएंगे इस डीकंपोजिशन को कराने के लिए हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करना होगा और ये एक्सपेरिमेंट होगा क्या इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराने के लिए और इसमें दो टेस्ट ट्यूब उल्टा इन्वर्टेड पोजीशन में इन्वर्टेड पोजीशन में दो टेस्ट ट्यूब को इस पर सेटअप करते हैं और इस सेटअप में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए एक रबर ट्यूब के ऊपर में दो नेल दो नेल इस पे होल्ड कर देंगे और होल्ड करने के बाद इन दोनों से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना हो और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए इसे बैटरी से जोड़ देंगे सपोज करते हैं कि हमारा बैटरी है और इस बैटरी का ये एक टर्मिनल्स इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है आपको इसमें समझना होगा कि कैथोड क्या होगा और एनोड क्या होगा बैटरी में दो साइड होते हैं दो टर्मिनल्स होते हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल सपोज करते हैं कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल को आप जिस इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे वह इलेक्ट्रोड आपका क्या हो जाएगा एनोड और निगेटिव टर्मिनल को आप जिस एनोड से जोड़ेंगे वो आपका होगा कैथोड तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये हो गया एनोड और ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये हो गया कैथोड इस पे वाटर हम लोग क्या करते हैं फील कर देते हैं भर देते हैं ये पूरा का पूरा पानी इस पे आ गया ठीक है ये हो गया बैटरी या सेल जो भी है बैटरी और सेल टर्मिनल भी आप देख रहे हैं इन सारे को क्लैंप लगा करके एक्सपेरिमेंट को सेटअप करना होगा ये क्लैंप के सहारे लोग इसको होल्ड कर देते हैं ये इसमें जो ग्लास का ट्यूब है एक में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा और दूसरे में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा जो डिकम्पोजिशन के बाद हमको मिल रहा है हाइड्रोजन गैस इस वाले में कलेक्ट होगा इसको हम लोग ले देते हैं हाइड्रोजन गैस और इसमें कलेक्ट होगा ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो अरेंजमेंट्स हमने किए हैं इस अरेंजमेंट्स को आप पहले अच्छे से समझ लें ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक करना लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट करना तोड़ना अगर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से अगर कुछ टूट रहा है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस और ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का कंसेप्ट सब जगह एक ही होता है इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे इसमें बहुत सारे रिमार्केबल चीज आप सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए सबसे पहले जो है एक सेल लेते हैं सेल मीन्स एक कंटेनर है इस कंटेनर को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ओके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो टर्मिनल्स बनाएंगे ये दोनों टर्मिनल्स का कॉमन नेम है इलेक्ट्रोड जो टर्म्स यूज होंगे वो टर्म्स में यहां पे लिखता हूं आप इसको देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोसेस हो गया और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमने कंटेनर लिए जो कंटेनर लिए वो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ओके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो टर्मिनल्स यूज करेंगे ये टर्मिनल्स होंगे हमारे इलेक्ट्रोड ओके अब इलेक्ट्रोड तो दो है एक ये है और दूसरा ये है तो इलेक्ट्रोड आपका दो होगा एक को हम लोग बोलेंगे कैथोड और दूसरे को बोलेंगे एनोड राइट दो इलेक्ट्रोड हो गया एक कैथोड दूसरा एनोड कैथोड जो है आप देख सकते हैं कि जो कैथोड है यह आपका निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है यानी कैथोड आपका हो गया निगेटिव टर्मिनल और एनोड हो गया पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल आपका है एनोड और निगेटिव टर्मिनल हो गया कैथोड स्विच भी आप इसमें लगा सकते हैं यहां पे सपोज करते हैं हम यहां पे स्विच डाल देते हैं स्विच ऑन करेंगे जब हम उसको पुश करेंगे सर्किट कंप्लीट होना चाहिए अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट का फ्लो होगा प्रोसेस स्टार्ट होगा बट अगर हम स्विच ऑन भी कर देते हैं तो इस तरह से ये सर्किट बन रहा है ये सब में पूरा का पूरा पहले से वाटर भरा हुआ है ये भी पूरा का पूरा पहले से वाटर भरा हुआ है इसमें आपका जो टर्मिनल्स हैं एनोड और कैथोड इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं आपको क्लियरली दिख जाए ये टर्मिनल कनेक्ट किया होगा करंट का फ्लो जब करेंगे तो करंट का फ्लो होने से ये क्या होगा ये वाटर के पास आएगा और आपको पता होगा वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता आप ध्यान देंगे अगर वाटर हम लोग कह रहे हैं दैट मीन्स प्योर वाटर प्योर वाटर दैट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ आयंस विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी विच हेल्प इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम किसी भी लिक्विड से अगर करंट का फ्लो होगा तो करंट के फ्लो होने के लिए उसमें आयंस का होना जरूरी है अगर आयंस नहीं होंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। किसी सॉलिड से पास तब होगा, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है अदरवाइज नहीं होगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पास करता है बट अगर ये सब्सटेंस आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में है लिक्विड के फॉर्म में है और उससे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी तभी पास करेगा जब उसमें आयंस प्रेजेंट हो आपको पता होगा कि वाटर जो है इसमें किसी तरह का कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होता है हाँ अगर हम लोग टैप वाटर बोले सी वाटर बोले रिवर वाटर बोले इन सारे वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं जिसमें आयंस होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है बट यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं वाटर का ये प्योर वाटर है इसमें किसी तरह का कोई सॉल्ट किसी तरह का कोई आयंस प्रजेंट नहीं है जब इसमें आयंस प्रजेंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगा नहीं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं दो चार ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाल देते हैं क्वेश्चन आता है इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाले सल्फ्यूरिक एसिड में आयन्स पर प्रजेंट होते हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा सर्किट कंप्लीट कर देगा और करंट का फ्लो स्टार्ट होगा जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इस बैटरी से क्या होगा इस टर्मिनल से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और ये इस वाटर में आएगा इस वाटर में प्रेजेंट आयंस सल्फ्यूरिक एसिड का वो आयंस इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और इस टर्मिनल पे आते हुए ये वापस यहां से आ जाएगा और इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जब सर्किट कंप्लीट होगा करंट का जब फ्लो होना शुरू हो जाएगा वाटर से तो ये एच टू ओ में स्प्लिट हो जाएंगे एच टू ओ टूट जाएंगे और टूट करके हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेंगे और इस तरह से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगा और हाइड्रोजन गैस एनोड पे जमा होगा और ऑक्सीजन गैस जो है वो कैथोड पे जमा होगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो उसके आयंस पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव आयंस जब भी जमा होगा तो निगेटिव टर्मिनल पे जमा होगा अपोजिट क्योंकि जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको निगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा और जो निगेटिव आयंस है उनको पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा वो फ्लो होगा और इस तरह से जो एच टू ओ देख रहे हैं ये एच टू ओ जब स्प्लिट होगा तो स्प्लिट होकर के ये बनाएंगे H और ऑक्सीजन आयन जो होगा वो ओ माइनस माइनस इस तरह से हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन ये हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट हो जाएगा H2 के फॉर्म में और इस तरह से ऑक्सीजन आयन जो है कन्वर्ट हो जाएगा ओ के फॉर्म में और इस तरह से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस इस दोनों कंटेनर में जमा होना शुरू हो जाएगा अब इसको गौर करेंगे इसमें देखते क्या है कि ऑक्सीजन गैस जैसे जैसे इसमें आएगा ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स यहां से उठना शुरू हो जाएगा और इसमें भी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा उठना शुरू हो जाएगा और ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे इसमें ये गैस के ड्रॉपलेट्स हैं ये गैस जो फॉर्म हो रहा है उसके ड्रॉपलेट्स हैं और ये गैस जो है अपोजिट टर्मिनल वाले में जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो निगेटिव पे दैट मीन्स की हाइड्रोजन गैस <laughs> यहाँ पर जो गैस के ड्रॉपलिट्स आ रहे हैं ये दोनों गैस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन H प्लस आयन फॉर्म करता है तो ये निगेटिव टर्मिनल पे जाएगा और आपका निगेटिव टर्मिनल कौन सा है कैथोड ये माइनस साइड से जुड़ा हुआ है ये निगेटिव टर्मिनल हो गया कैथोड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं निगेटिव और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हो गया एनोड तो यहां देखेंगे कि जो निगेटिव टर्मिनल है उस पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा और जैसे जैसे इसमें गैस कलेक्ट होंगे वाटर का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा घटना शुरू हो जाएगा वाटर का लेवल घटना शुरू हो जाएगा इसमें भी वाटर का लेवल घटना शुरू हो जाएगा लेकिन आप इसमें गौर करेंगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहा है वो ज्यादा खाली होगा और जिस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रहा है वो कम खाली होगा क्यों इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल रहा है उसमें हाइड्रोजन गैस का दो वॉल्यूम और ऑक्सीजन गैस का एक वॉल्यूम मिल रहा है यानी कि ऑक्सीजन गैस जितना कलेक्ट होगा उसका डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस में कलेक्ट होगा तो हाइड्रोजन गैस का जगह ऑक्सीजन गैस से ज्यादा खाली होगा और ऑक्सीजन गैस में कम होगा यानी इससे इसका ठीक डबल होगा यहां पे जो हाइड्रोजन गैस है इसमें इसका दो वॉल्यूम और यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है उसमें इसका वन वॉल्यूम ही कलेक्ट हो रहा है यानी इस तरह से वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करने से जो गैस बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस डिकम्पोज होकर के ये हमारे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है तो इस तरह से जो है हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं लास्ट में हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइसिस को एक के रूप में मेन पॉइंट्स को मेमोराइज करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो कंटेनर लिए ये कंटेनर हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसमें रबर का जो स्ट्रिप है उस रबर के स्ट्रिप में होल बना करके दो नेल लगा दिए दो कांटी लगा दिए ये दोनों नेल के

हुआ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए आयंस का होना जरूरी है इसीलिए जो वाटर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने लिया है इसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए हैं दो चार ड्रॉप दस ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देने से यह इलेक्ट्रिसिटी को पास करना शुरू कर देगा जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ इस नेल से होता हुआ वाटर और वाटर से होते हुए इस नेल से होते हुए ये इस तरह से ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है और करंट का फ्लो कंटिन्यूअस होने लगता है और इस करंट के फ्लो होने से वाटर क्या होता है आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं और ये आयंस हमारे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के होते हैं हाइड्रोजन आयंस चूंकि पॉजिटिव आयंस होता है एच प्लस इसलिए इलेक्ट्रोड के निगेटिव टर्मिनल यानी कि जिसको हम लोग कैथोड कह रहे हैं उस कैथोड में जाना शुरू हो जाएगा और ठीक उसके अपोजिट जो ऑक्सीजन गैस है ऑक्सीजन आयंस हैं ये ऑक्सीजन आयंस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होकर के ये जो दूसरा टर्मिनल है आपका कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम लोग एनोड कहते हैं उस एनोड में जमा होना शुरू हो जाएगा ये पहले आयन्स बनते हैं और फिर आयंस कंबाइन होकर के मोलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने ही दूसरे आयन्स के साथ कंबाइन होकर के इलेक्ट्रॉन का इसमें एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम लोग नेक्स्ट या आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें और अच्छे से समझेंगे और इस तरह से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है स्प्लिट होने के बाद आपको मिल जाते हैं और ये दोनों गैस इस टेस्ट ट्यूब में जमा होते हैं और हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस का डबल वॉल्यूम जबकि ऑक्सीजन गैस का उससे हाफ यानी कि अगर वन वॉल्यूम अगर ऑक्सीजन का देख रहे हैं तो उसका डबल टू वॉल्यूम क्या हो रहा हाइड्रोजन गैस का हो रहा जो कि बैलेंस करने पर इस रिएक्शन से क्लियर है इसमें ऑक्सीजन गैस वाले कंटेनर में जितना खाली होगा ये खाली जगह जो है उसमें गैस भरा हुआ है इसलिए वाटर को वहां से डिस्प्लेस किया हुआ यहाँ भी खाली जगह में गैस भरा हुआ है जिसमें वाटर को डिस्प्लेस किया हुआ है ये इस तरह से धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो है वो खाली होगा और जैसे जैसे ये खाली होता जाएगा दैट इज उसमें गैस पूरा भर जाएगा इसको हटा करके फिर हम लोग दूसरा टेस्ट ट्यूब भी लगा सकते हैं जितना हमको जितना देर तक इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा चलता रहेगा उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का ही हम लोग देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अभी मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल बताता हूं कि वाटर के अलावे सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा एन एस सी एल एग्जाम्पल नंबर टू सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन स्टेट में लाकर सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन स्टेट में लाकर ये रॉक सॉल्ट होता है रॉक सॉल्ट मोल्टन स्टेट में जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बाद उसी तरह से सोडियम और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है यहाँ से भी सोडियम क्लोराइड जब स्प्लिट होगा तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बनेंगे सोडियम आयंस जो है पॉजिटिव है तो निगेटिव टर्म पे जमा होगा और क्लोरा, क्लोराइड आयंस जो है निगेटिव है इसलिए वो पॉजिटिव टर्म से जमा होगा इस तरह से सोडियम क्लोराइड का बनता है एन और इसको भी हम लोग बैलेंस कर लेंगे ये बैलेंस इक्वेशन हो गया तो सोडियम क्लोराइड का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं यानी जब उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन हो करके जो नया सब्सटेंस बनाता है ये अलग अलग दो सब्सटेंस बना सोडियम और क्लोरीन उसी तरह से जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड एक और एग्जांपल देखते हैं ए एल टू ओ थ्री जो एलमोनीय ऑक्साइड है इस एलमोनियम ऑक्साइड को भी मोल्टेन स्टेट में लाना होगा तभी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा मोल्टेन स्टेट में ला करके जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है जो ये सब्सटेंसेस टूटते हैं और टूटने के बाद यह फॉर्म आपका दो अलग अलग मिल रहा है एक एलमुनियम और दूसरा ऑक्सीजन यहां भी एलमुनियम ऑक्साइड जब स्प्लिट होगा डिकम्पोज होगा तो एल्मोनियम आयंस बनेंगे ए एल थ्री प्लस और ऑक्साइड आयंस बनेंगे ओ माइनस माइनस फिर ओ मोलिक्यूल में कन्वर्ट होगा और इस तरह से एल्मोनियम और ऑक्सीजन गैस हमको मिलेगा इसको भी हम लोग को बैलेंस कर लेना है ऑक्सीजन यहाँ पे थ्री है ऑक्सीजन टू है तो टू से थ्री कैसे आएगा सिक्स करना होगा तो इसलिए इसको थ्री से लगाएंगे और इसको टू से लगाते हैं थ्री लगाने से ऑक्सीजन सिक्स आइटम हो गया यहां भी ऑक्सीजन सिक्स आइटम हो गया एलमोनियम का फोर हो रहा है ये अल्मोनियम फोर इसको लिख देंगे तो इस तरह से एल्मोनियम ऑक्साइड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं मोल्टेड स्टेट में लाकर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो डिकम्पोज होकर के एलमूनियम और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है अब नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये है फोटो डिकम्पोजिशन आप समझ सकते हैं फोटो फोटोडिकम्पोजिशन में लाइट यूज होगा इसको हम लोग लिखते हैं फोटो फोटोडिकम्पोजिशन फोटो डिकम्पोजिशन फोटो डिकम्पोजिशन क्या होगा द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन सबस्टांस स्प्लिट्स इन टू टू और मोर सब्स्टांसेस ड्यू टू लाइट अगर लाइट की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन में एक सब्स्टांस स्प्लिट होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटांस अगर दे रहे हैं न्यू सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कहलाएगा फोटो डिकम्पोजिशन इसका दो सिंपल एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग लाइट में देते हैं तो ये डिकम्पोजिशन हो जाता है और डिकम्पोजिशन होने के बाद ये सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में ए प्लस सी एल टू बैलेंस कर लेंगे क्लोरीन वन क्लोरीन टू है यहाँ पे यहाँ पे टू लगाएंगे सिल्वर टू हो गया टू ए जी प्लस सी एल टू उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड ए जी बी आर इसको भी अगर लाइट देते हैं तो लाइट में ये क्या हो जाता है डीकम्पोज कर जाता है और डिकम्पोजिशन के बाद ये फॉर्म करता है सिल्वर और ब्रोमीन यहां भी बैलेंस कर लेंगे ब्रोमीन टू ब्रोमीन वन है टू लगा दिए सिल्वर टू है यहाँ पे टू लगा दिए इस तरह से क्या हो गया लाइट डिकम्पोजिशन से सिल्वर ब्रोमाइड स्प्लिट होकर के सिल्वर और ब्रोनी ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन आता है वाई बी पुट सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इन डार्क रूम सिल्वर क्लोराइड और या सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क रूम में क्यों रखते हैं अंधेरे में क्यों रखते हैं आपको पता चल गया होगा अगर इसे लाइट मिल गया तो लाइट मिलने के बाद वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट होकर के सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट से बचा कर रखना होता है क्योंकि लाइट मिलते ही इसमें लाइट रिएक्शन यानी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होता है और ये स्प्लिट हो जाते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि कंबिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे का रेशी है अपोजिट है एक रिवर्स प्रोसेस है कंबिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होकर यानी टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है सच एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन प्रिशिपिटेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम लोग देखेंगे और डीकम्फोर्स इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे